अग्रवाल शिक्षा संस्थान के चुनाव के लिए महाराजा अग्रसेन टीम ने चुनाव का बुगुल फूका। राजधानी लखनऊ में अग्रवाल शिक्षा संस्थान के चुनाव के लिए महाराजा अग्रसेन टीम इन दिनों चुनाव की तैयारियों में जुटी है। यह चुनाव 22 सितंबर 2024 को होंगे। चुनाव के लिए नामांकन 8 और 9 सितंबर को होगा। चुनाव के अध्यक्ष पद हेतु लोकराम अग्रवाल, महामंत्री पद हेतु मनोज हवेलिया, कोषाध्यक्ष पद हेतु राजीव अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हेतु चंद्र प्रकाश अग्रवाल, उपाध्यक्ष पद हेतु मदन गोपाल गुप्ता, पवन गोयल, हरिराम अग्रवाल, संयुक्त मंत्री पद हेतु मनीष अग्रवाल, शिक्षा मंत्री पद हेतु नीलेश अग्रवाल, मीडिया प्रभारी के पद हेतु सुधीश गर्ग समेत कुल 37 पदों पर चुनाव के लिए प्रत्याशी मैदान में हैं। सभी लोग इन दिनों चुनावों के लिए एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं। चुनाव अशोक अग्रवाल MLC, सुरेश राजेंद्र अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, सतीश अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, धर्मपाल अग्रवाल, ओम प्रकाश अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, गोविंद प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में हो रहे हैं। सितंबर को होना निश्चित हुआ है। हमारी महाराजा अग्रसेन टीम निर्धारित की गई, घोषित की गई है। उसके अध्यक्ष पद के लिए अग्रवाल शिक्षा लोकराम अग्रवाल की चुनाव लड़ रहे हैं। लोकराम लड़ रहे हैं, उनके नेतृत्व में 37 आदमियों का चुनाव होगा, जिनकी टीमों का चयन करके हमारे लोगों ने घोषित किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे 37 आदमी इस चुनाव में जीत कराएंगे महाराजा अग्रसेन जी की। हमारे माननीय लोकराम अग्रवाल जी के नेतृत्व में अग्रवाल शिक्षा संस्थान के जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, और मुझे महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल गोमती नगर का पुनः अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया गया है। पिछले 3 वर्षों में मैं अध्यक्ष का मैंने कार्य किया और गोमती नगर स्कूल में हमने काफ़ी सुधार किए, कंस्ट्रक्शन के बहुत काम किए और 3 सालों में हमने सकल लाभ 5 करोड़ रुपये का दिया। तो हमारे टीम ने हमें वहाँ का प्रत्याशी बनाया है और हमारे साथ मंत्री पद के लिए राजीव अग्रवाल जी हैं, और कोषाध्यक्ष पद के लिए नीरज अग्रवाल जी हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारी पूरी महाराजा टीम को जो है भारी बहुमत से सब लोग जिताएंगे, ये हमें पूरी आशा है, विश्वास है। सुभाष मार्ग निवासी, किराने का व्यापारी हूँ मैं, कार्यकारिणी सदस्य अरे लखनऊ शिक्षा संस्थान के कार्यकारिणी सदस्य के लिए लड़ रहा हूँ। और मैं विगत 2 कार्यकारिणी सदस्य में लगातार रहा हूँ, ये 3रा वर्ष है मेरा कार्यकारिणी का। और मैं शिक्षा संस्थान को ज़्यादा ऊंचाइयों के लिए जाने का जो कार्य होता है मैं साथ में रहता हूँ, और हमारा प्रयास भी आगे यही रहेगा। मेरा ये कहना है कि हमारे अग्रवाल शिक्षा संस्थान जो संस्था है वो लखनऊ के सभी प्रतिष्ठित अग्रवाल बंधुओं की, भामाशाह जो कहलाते हैं, उनकी हमारी एक संस्था है और 80 साल पुरानी संस्था है ये हमारी। इसके अंदर हमारे 4 इंटर कॉलेज, 1 बालिका विद्यालय, 1 बेसिक स्कूल और 2 गेस्ट हाउस चलते हैं हमारी संस्था, और एक औषधालय अभी निर्माण नया निर्माण किया गया, एक औषधालय चलेगा अभी। तो इन सबका दायित्व तो समाज द्वारा, आप जो देखा आपने कितने भारी भीड़ से पहले मुझे सौंपा गया है और पूरा सर्वसम्मति से मुझे उम्मीदवार बनाया गया था, जिसके सर्वप्रथम तो मैं समाज का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पर ये विश्वास प्रकट किया है। और मुझके ऊपर एक, मैं ये समझता हूँ कि जो मुझे दाज मिलने जा रहा है, एक बड़ी भारी जिम्मेदारी का एहसास मुझे हो रहा है अभी से। और मैं शिक्षा संस्थान से 42 साल से जुड़ा हूँ, मैं यहाँ एक साधारण सदस्य से लेकर कार्यकारी सदस्य, मंत्री और विभिन्न पदों से होते हुए एक इकाई के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा था। और अब मैं शिक्षा संस्थान के टॉप जो हमारे इसकी अचीवमेंट है, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। और चुनाव जैसा आप जानते हैं, चुनाव होता तभी है जब सामने हमने 2 पार्टियाँ हों, तो दूसरे ग्रुप द्वारा भी चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन वहाँ चुनाव को लड़ने की सिर्फ कोशिश की जा रही है और कुछ एडामंची टाइप की है कि हाँ मैं चुनाव लड़ना ही है बस, और कुछ चुनाव तो आप देख ही रहे कि तरफा चुनाव है। लेकिन अभी आत्मविश्वास से कभी नहीं आना चाहिए, अति आत्मविश्वास, हम पूरी अपनी जिम्मेदारी से, पूरी ताकत से और पूरे
एक जज्बे के साथ चुनाव लड़े कि हमारे अंदर एक भावना है कि हमें सेवा करनी है। और वहाँ लोकराम अग्रवाल शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष के पद के तौर पर चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं अपने सभी साथियों का बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इसके लिए चुना है। ये हमारा एक जो अग्रवाल समाज है बहुत सक्रियता से सामाजिक कार्यों में लगा रहता है, जैसे कि हमारे पूर्वज उन्होंने प्रचलन चलाया है एक रुपया एक ईंट के द्वारा हर किसी को अपने बराबर पे लाना है। अगर 1 लाख परिवार है तो अगर वहाँ कोई भी आता है बाहर से तो हर परिवार से एक एक रुपया दिया जाता है एक एक ईंट, उसके द्वारा वो भी हम लोगों की बराबरी पे आता है। तो सबसे बड़ा हम लोग का यही है और 5 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं और जो भी टीम आई है बहुत अच्छी आई है, बहुत अच्छी चलेगी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जो आज टीम ने घोषणा करी है शेषा संस्थान की टीम ने लोकराम अग्रवाल जी के लिए करी है अध्यक्ष के लिए और जो पूरी टीम उन्होंने बनाई है महामंत्री से लेके हम हमेशा उनके साथ हैं, आगे भी रहेंगे और मुझे भी जो इस समय विशेष आमंत्री सदस्य का मुझे दायित्व दिया गया है अभी सेंट पॉलिट में 5,000 में जाए और बिल्कुल एकदम से जीत ऐसी हो कि जो कभी ना हो। न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें।